और ये पहली ICNG की है आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पहली गाड़ी की है, पहली गाड़ी। तो ICNG की वैसे भी YouTube पे वीडियो है नहीं, आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो है। चलो जी, नेक्स्ट वीडियो में स्वागत आपका। ये वहीं से वीडियो स्टार्ट हो रही है जहाँ पर अपने डिलीवरी ली थी, और अब सीधा चलेंगे अपने सुनील भाई के पास। गाड़ी वो वाली पहुंच चुकी है और मैं भी पीछे पीछे पहुंच जाता हूँ, और अपनी इस गाड़ी में भी कुछ काम है, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को, तो वो अलग वीडियो में शेयर करेंगे। तो आज वाली वीडियो में आपको आवाज करता ना, आज वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा टियागो में अलॉय व्हील। तो चलिए, थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा, वहीं चल के बात करते हैं। अभी फ्रंट में खड़े हैं वहाँ बंसल ऑटो जोन के, और अपनी नई दुल्हन इधर खड़ी है, अपनी काली घोड़ी पीछे आ चुकी है, और हम आ चुके हैं जी बंसल ऑटो जोन में। और अलॉय ऑलरेडी भाई ने पसंद किए थे पहले, ये ऐसा ही डिजाइन है कुछ, मैं दिखाता हूँ कि अपने टियागो के लिए कौन सी अलॉय निकाले गए हैं। ये निकाले जी, पहले लगा के देखेंगे। ये 15 inches है और इसमें टायर लगेगा 175/60 R15, तो 15 inches है, और उसमें आते थे 14। तो ये लगने के बाद फिर दिखाता हूँ आपको। ये स्कॉर्पियो की है जी, मैक्सिस वाली ऑल टेरेन। अपनी नई वाली गाड़ी, नई दुल्हन आ गई है, और इसमें 14 inch के लगे थे तो 15 inch के लगा रहे हैं सुनील भाई अपने साथ। हेलो सर, हाउ आर यू? इसमें फिर आज भी नई वाली गाड़ी, नई गाड़ी आई है तो इसमें लगाएंगे 15 inch का अलॉय व्हील, वो ज्यादा बेटर लगेगा, वही लगा रहे हैं अभी इसमें। अब मैंने बताया है दोस्तों को कि 175/60 R15 लगा रहे हैं। हाँ, 175/60 R15 जो टॉप मॉडल में आता है इनके, तो वो पहले आता था, जो पहले आता था, हाँ, तो वो वाला साइज अभी इसके गाड़ी में हम फिट करके देख रहे हैं। बिल्कुल, तो लॉयज 15 इंच का पसंद किया है, वो लगा के अभी देख रहे हैं, पहले लगा के देखते हैं, फिर रेट भी बताएंगे अगर सेट आ गया तो इसमें। हाँ। ठीक है, तो ये देखो टायर लग गया दोस्तों इसके ऊपर, प्रोफाइल के साथ दिखाओ। थोड़ा अंधेरा है भाई, अगर कम ज्यादा हो थोड़ा सा दिखने में तो माफ करना। ये आ गया ना प्रोफाइल, इधर दिखेगी 175/60 R15। टायर तो ठीक ही लग रहा है, उसके पास खड़ा करके देखते हैं। चलो भैया दिखाना उसके पास। छोटू अपना काम करने लग गया है दोस्तों, और ये वाला अलॉय है अभी जो लगा के दिखाएंगे। मैं बस ये उम्मीद करूंगा कि ये है ना, इससे बाहर ना निकले, तभी सही है, छोटी गाड़ी है, ज़्यादा समस्या ना आए चलने में, तो इसलिए लिमिट का ही लगवाएंगे। अब तक भाई लगा के दिखा रहा है, अपनी इस गाड़ी में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी बैलेंसिंग की, बबलिंग की एक्चुअली प्रॉब्लम थी। टायर खोल के मतलब बैलेंसिंग करोगे ना? कर दो जी, कर दो। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, तो मैंने ये भी करवा लिया है साथ में। तो दूसरा लोहे लगा दो PCD के साथ, तो इस डिजाइन में नहीं मिलेगा दूसरा, मतलब PCD कम के साथ का फर्क होगा 19-21, मतलब डिजाइन इस टाइप मिल जाएगा 15 inches फ्रंट से, पीछे खुंजे थे परली साइड लग गया है जमा खुंजे। हाँ, वो ला के दिखा दो जी, खुंजे वाला ले आओ, फ्रेंच भी दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, देखो कितना है। मामूली सा जो है डिफरेंस, बस ऊंचाई जो है वही ज्यादा लग रही है, चौड़ाई तो लगभग सेम है, 175 ही है, 175 है, तो चौड़ाई सेम है, ऊंचाई की वजह से फर्क आएगा क्योंकि 1 inch अलॉय है ना। प्रोफाइल भी थोड़ा लो हुआ है, तो लुकिंग में थोड़ा सा वाइडर भी आएगा, थोड़ी सी ऊंचाई भी बढ़ेगी, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ेगा। लगा के देखते हैं कैसा चलता है गाड़ी में, फिर आपको कंक्लूजन भी बताता हूँ, रेट भी बताता हूँ। सुनील भाई, ये PCD वाला जो चक्कर पड़ गया, PCD है जो इसमें टाटा में ना थोड़ी सी PCD की प्रॉब्लम आती है, इसमें जो 108 PCD का अलॉय व्हील लगता है, 108 जो नॉर्मल सभी कार्स आती हैं, जैसे स्विफ्ट होगी, होंडा सिटी होगी, अमेज होगी, उसमें सब में 100 PCD लगता है, तो मल्टीपर्पज है, वो सब गाड़ियों में लग जाता है। तो जो टाटा की जो गाड़ी आती है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती हुई है कि लिमिटेड चॉइस मिलती है अलॉय व्हील की। ओके, ये रीजन है, अपना भी यही पड़ गया, वो PCD 108 की जगह 114 निकल आया। हाँ जी, हाँ जी, तो अभी जो दो पसंद किए हैं वो 108, वो 100+108 दोनों है, अगर मल्टीपर्पज है वो, कल को निकाल के हमने स्विफ्ट होंडा में सब में लगाना, तो सब में लग जाएगा वो। हाँ जी, हाँ जी, तो लगने के बाद दिखाते हैं, अभी देखते हैं, लगा के देख रहे हैं दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, फिर देखते हैं सर, बताएंगे आपको। तो ये तैयार हो गया दोस्तों, हाँ ये देखो ऐसा लुक आ रहा है जिसका, और ये थोड़ा सा सुनील भाई मेरा डिप डिस भी नहीं है, तो बाहर भी नहीं ज्यादा आ रहा ना, ये बिल्कुल मतलब बॉडी के अंदर अंदर है, अंदर अंदर है ना, और हमें यही चाहिए था, बॉडी के बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही है ये, और चौड़ाई भी कुछ इतनी आती है दोस्तों, प्रोफाइल सेम है ना, ये थोड़ा ठीक ही है, ये भी जैसे ही है, डिप डिस तो नहीं है, लगने के बाद ही पता लगेगा, देखते हैं कैसा है।
ये देखो जी पीछे वाला भाई, ये तो निकाल दे, पीछे वाला निकाल दे, ये तो इसमें तो नहीं है भाई। टायर योकोहामा के हैं दोस्तों, ठीक है। तो पीछे वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया हमें, अगले वाला ही मतलब मेरे को काफी अच्छा लगा था पहले लुक में। एंटी थेफ्ट नट है तो वो नट भी चेंज करेंगे इसके साथ, ठीक है। कोई चोरी नहीं कर पाएगा, दिल्ली वगैरह में बहुत चोरी होती है अलॉय व्हील्स की। पीछे एक और डिजाइन पसंद आया, वो और लगा के देखते हैं। लो जी फ्रेंड, दोनों अलॉय व्हील जो फाइनल लिस्ट में आए हैं अपने जी, आपके कमेंट भी महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन पता तो लग ही जाएगा आपको लास्ट में। वैसे पर्सनली आप कमेंट कर सकते हैं कि ये वाले ज़्यादा अच्छे थे या फिर वो वाले। फ्रेंड्स कन्फ्यूजन पैदा कर दिए भाई दोनों में, डिसाइड करने में टाइम लग रहा थोड़ा हमें। वो बीच में खाली है उसमें, हाँ ये इस वजह भी नहीं है, थोड़ा सा वैसे स्पोक्स जो है थोड़े से खुले हैं, उसके देखो थोड़े से कंजस्टेड, इसलिए ये थोड़ा बड़ा लग रहा है। हाँ थोड़ा सा ये भी है, तो लुक है मतलब डिफरेंस हो रही है इनका। लो जी फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से बहुत टाइम लगा के ना ये वाला डिसाइड हुआ, सब लोगों की पसंद यही है, तो आप लोग भी बताना क्या ठीक पसंद किया। तो चलो चारों लगने देते हैं, थोड़ा सा फिर इसको चला के भी देखते हैं कैसी है गाड़ी चलने में। लो जी टेस्ट ड्राइव ले ली अपनी वाली गाड़ी की, दिखा नहीं पाया आपको सॉरी, लेकिन ये एक ही ओके होगी है। बैलेंसिंग एक्चुअली गड़बड़ थी गाड़ी की, तो इसलिए बबलिंग कर रही थी हैवी स्पीड में थोड़ी सी, जैसे कि पता ही आपने पिछली माइलेज वाली वीडियो देखी होगी, उसमें 120 तक आपने गाड़ी चलाई है। तो अभी ओके ठीक हो गया? हाँ ओके एकदम डन, थैंक यू सुनील भाई एक बार फिर से, आपका काम एक नंबर का होता है, मेरे को हमेशा ही अच्छा लगता बहुत बढ़िया जी। तो सुनील भाई ये जो अपनी बबलिंग स्टार्ट हुई थी किस वजह से हुई होगी? बबलिंग होता है कि जो इसके बील बैलेंसिंग करते हैं जब हम, तो वहाँ पे अंदर ना स्टिकर वेट लगता है उसको जीरो जीरो करने के लिए, तो कभी स्टिकर वेट होता है वो गिर जाता है, चिपका नहीं है प्रॉपर, तो उसकी वजह से गाड़ी ना स्टीयरिंग बबलिंग करने लगी, मतलब इतनी छोटी सी चीज हटने से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, साइड दोस्तों लग गए हैं अपने अलॉय, अंधेरा है थोड़ा सा, पता नहीं कैसा लुक आ रहा होगा। और अभी तक जो मैंने सर्च किया है YouTube पे, मेरे को कोई दूसरी वीडियो मिली नहीं है जो टियागो ICNG में 15 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं इसमें, तो वो मेरे को किसी दूसरी वीडियो कोई मिली नहीं YouTube पे, तो आई थिंक दिस इज फर्स्ट वीडियो ऑन YouTube। ये एंटीसेप्ट नट होते हैं, इसके ऊपर ये एंटीसेप्ट वाली गोटी लगी, ठीक है जी, तो इसके ऊपर अब ये वाली गोटी लगेगी इस तरह से, हाँ इस तरह से इसमें पाना लगेगा, तो इसको खोलने के लिए, तो ये जो गोटी है इसके साथ ही ये नट खुलेंगे, इसके अलावा नहीं खुलेंगे, इसके अलावा नहीं खुलेंगे ये नट। अच्छा हाँ जी, मतलब ये काफी कॉस्ट मतलब बचत कर देंगे, चोरी नहीं होने देंगे ना, चोरी नहीं होगी, बहुत बढ़िया। चला के और देख लेते हैं कैसा, तो सुनील जी चला के देखते हैं न्यू टायर और अलॉय व्हील के साथ, और देखिए कंपनी इसमें ना वाइट लाइट देती है, देख रहे हो, थोड़ा सा अंधेरा तो है दोस्तों, लेकिन चलो पता तो लग ही जाएगा अपने को। हाँ स्टेयरिंग पे कोई भी असर नहीं पड़ा है भाई, और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी जब कोई टायर या अलॉय चेंज करवाएं तो उसका एरर पक्का चेक करें, ज़्यादा बड़े अलॉय या टायर लगवाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो गाड़ी भारी हो जाती है, स्टीयरिंग वगैरह भी बहुत हार्ड हो जाता है। और इसमें देखिए बिल्कुल मक्खन चल रही है गाड़ी, अभी पेट्रोल पे चल रही है अपनी गाड़ी और बहुत स्मूथ है, देख रहे हो जी। अभी मैं सड़क के बिल्कुल सेंटर में चला रहा हूँ, और ये देखिए स्टीयरिंग पे छोड़ दिया मैंने, काफ़ी सही चल रही है गाड़ी, बिल्कुल ना कोई बबलिंग है, ये टायर जो योकोहामा के लगे हैं इसमें बिल्कुल भी नॉइस नहीं कर रहे हैं, इवन कंपनी फिटेड से भी कम नॉइस आ रही है इसमें, इतनी जगह है जी इससे तेज नहीं चला सकते, ब्रेकिंग बेहतर होगी दोस्तों ये बताऊँ आपको, तो ये भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है अगर आप थोड़े से बड़े सेक्शन के टायर लगा लेते हैं। ये देखिए कितना ईजी घूम रहा है, और ये पूरा मैंने काट भी रखा है अभी, तो कहीं टकराने की कोई नॉइस नहीं आ रही ना अंकल जी? नहीं सही है ना, तो लेफ्ट साइड देख लिया, अब राइट साइड और घुमा के देख लेते हैं, कहीं टायर टकराना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, नहीं टकरा रहा है फिलहाल, तो पास हो गए हैं, थोड़ा बहुत चलाएंगे गाड़ी को थोड़े दिन और 1-2 हज़ार किलोमीटर, तो
पता लग जाएगा अपने को। और अभी चल के पूछते हैं सुनील भाई से पैसे कितने लिए उन्होंने, चार अलॉय और टायर के 15 इंचेस। लो जी एक फाइनल लुक और देख लो आप। सुनील भाई आ जाओ, आपका इंतजार कर रहा था मैं। रेट और बता दो, बहुत लेट हो गए हैं, जल्दी करके बताओ, दोस्त इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। प्राइस जो इन्होंने न्यू अलॉयज एंड टायर्स लिए हैं तो उनका टोटल इनका बना था 40,000 रुपीज। तो इनके जो पुराने टायर्स हमने बाय बैक किए न्यू गाड़ी के, तो रिम इन्होंने वापस ले लिए। रिम का ऑप्शन है, रिम की ऑप्शन है, अगर पैसा देने तो दे दो, नहीं वापस लेने। 1,000 के रिम्स हैं, 4 रुपीज बाय वेट बिकते हैं। तो इनके पुराने टायर्स लेस करके हमने इनसे टोटल 27,000 रुपीज लिए हैं। बाकी चैल साहब का डिस्काउंट वो मिलता ही है इनको, वो डिस्काउंट करके टोटल हमने इनसे 25,500 रुपीज ली है सर, लेस करके। ये एकदम रियल प्राइस बताया दोस्तों, बिल्कुल रियल प्राइस है ये। और इसमें इनको एंटीसेप्ट नट और सारा काम वो कॉम्प्लीमेंट्री करके दिया है। बहुत बढ़िया सर, बीरवाल सिंह सारा वो इनको कॉम्प्लीमेंट्री करके दिया। आज आपने बहुत अच्छी डील दी सर। और मेरा भी कोई अगर दोस्त आता है रेफरेंस दे देना दोस्तों, डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। और ये पहली ICNG की आपने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहली गाड़ी की। पहली गाड़ी तो ICNG की, वैसे भी YouTube पे वीडियो है नहीं, आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो है। तो हाँ टेस्ट करके आओ, तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करते हुए जाएं, और इसी तरह की इंडस्ट्री वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।